झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत $120 को क्रॉस कर गई है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी थीं, लेकिन अब रूस की वजह से तेल के मोर्चे पर भारत सरकार को एक बड़ी राहत भी मिली है। बता दें कि भारत रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत को ब्रेंट क्रूड ऑयल की तुलना में रूस से 30% सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है। मौजूदा समय में क्रूड ऑयल की कीमत $120 के आसपास है, यानी भारत को रूस $90 से कम की कीमत पर तेल बेच रहा है। बता दें कि भारत को रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बने हालातों की वजह से यह छूट मिल रही है। मौजूदा समय में यूरोप ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं। मई 2022 में भारत ने रूस से प्रतिदिन 8,40,645 बैरल तेल का आयात प्रतिदिन किया, लेकिन मई में यह बढ़कर 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो भारत अपनी जरूरतों का 20% कच्चा तेल रूस से आयात करने लगेगा, जो कि रूस और यूक्रेन युद्ध के पहले महज 2% था। मंगलवार को रूस ने एक नए रास्ते से तेल भेजना शुरू किया है। यह रास्ता सेंट पीटर्सबर्ग से नहावा सेवा पोर्ट के बीच का है। स्वेज नहर की वजह से जो समय 10 सप्ताह तक लगता था, वे नए रास्ते की वजह से घटकर महज 3 सप्ताह हो गया है। मौजूदा समय में चीन और भारत रूस से सबसे अधिक कच्चा तेल आयात कर रहे हैं। रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात करने का फायदा भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को भी खूब हो रहा है। वे फिलहाल दुनिया में सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली रिफाइनरी बन गई है। मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।